अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अकरानी शबीना के किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ बना रही हूँ खिचड़ी, बना रही हूँ तुअर की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ मैंने ले लिया है 250 ग्राम चावल ली है, ये मेरे बासमती चावल है। यहाँ मैंने 100 ग्राम तुअर की दाल ले ली है, इसे धो लिया था हमने और भिगा कर रख लिए थे चावल और दाल को। यहाँ मैंने आधी छोटी प्याज लेके कट कर ली है, 5 से 6 मेरी हरी मिर्चें हैं, आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। तो चलिए पकाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में और इंजॉय किए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 सर्विंग के करीब तेल ले लिया है, तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। मैंने यहाँ जीरा डाल दिया, जीरा हमारा कड़क गया है, इसी में मैं अभी प्याज डाल रही हूँ। अच्छे से चला लूंगी, प्याज थोड़ी सुनहरी हो जाएगी तो फिर इसमें मैं मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। प्याज हमारी कलर चेंज कर दी है, यहाँ पे मैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डाल दी, इसे अच्छे से चला लूंगी। यही मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। मैंने 1 कप पानी डाला था और ये 1/2 कप से भी कम है, मैंने ये भी डाल दिया है। यहाँ मैं 1 उबाल ले लूंगी नमक डाल के, यहाँ नमक डाल रही हूँ। मैंने इसमें नमक डाल दिया है, इसमें 1 उबाल लेके इसमें चावल डालूंगी और दाल। ये देखो उबाल आ गया है, यही मैं नमक का टेस्ट कर लूंगी, अगर नमक कम रहेगा तो डालूंगी इसमें। नमक मेरा एकदम परफेक्ट है, इसी में अभी चावल डाल रही हूँ। यहां मैंने चावल डाल दिए है, दाल डाल दी, इसे अच्छे से चला के और इसे मैं कवर करके 1 सीटी ले लूंगी। जैसे कि पता है आपको कि चावल में कुकर में अगर हम बनाते हैं तो 1 सीटी काफ़ी है हमारी खिचड़ी को तैयार होने के लिए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। यहाँ मैंने कुकर को कर दिया है कवर, गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है फास्ट। मैं इसमें 1 सीटी लेके, 1 से 2 सीटी लेके गैस बंद कर दूंगी और उसको खिचड़ी को मैं इसी के भाप में छोड़ दूंगी। चलिए हम बाद में देखेंगे। हमारी 1 सीटी आ गई थी, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था, गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। ये देखिए हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है, ये देखिए एकदम खिली खिली खिचड़ी है हमारी।